तुम्हें मुझे इसके सामने आई लव यू कहना होगा। कह दो। इस तरह क्या देख रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे वो 3 टेस्ट पास करने के लिए मैंने कितने रिस्क उठाए हैं? क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ जो तुम हंस रही हो? वहां मेरे बाबा मौत से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारे बाबा सेफ है। यकीन नहीं हो रहा है राज। जहां तक मैं जानता हूँ बेटा, तू बचपन से बैटिंग करता आ रहा है। तेरी जिंदगी दांव पर लगती थी और डर मुझे लगता था, लेकिन आज तेरी यही बैटिंग ने मेरी जिंदगी बचाई। तेरे दोस्त ने डॉक्टर को पैसे दे दिए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी है। तुमने पैसे दिए बैट जीतने से पहले ही? जिस दिन तुमने बैट लगाई थी उसी दिन हमें पता था तुम जीत जाओगे राजा। तुम इस बैट के बारे में कैसे जानती हो? वो बैट लगाने के लिए मुझे इसी ने कहा था। हाँ राजा, तुम अपने बाबा को बचाने के लिए मेरी जिंदगी में आए हो, पर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ। मैं 13 साल से हर बैट जीत कर भी हारती आई हूँ, लेकिन तुमने जिंदगी की हर बैट जीती है। दूसरों को हमेशा मदद करने का तुम्हारा स्वभाव मेरे दिल को छू गया। मेरी फैमिली के सामने लव लेटर देने की तुम्हारी हिम्मत पर मैं फिदा हो गई। मेरे घर में आकर मुझे गुलाब देकर तुमने बहादुरी दिखाई। मुझे सिक्योरिटी से आजाद करवा के इस दुनिया से रूबरू करवाया जिससे मैं बेखबर थी। तुम्हारे पापा का ऑपरेशन अगले दिन होने वाला था, फिर भी तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर नहीं गए। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारे अंदर 100 लोगों का गुरूर है, 1000 लोगों की ताकत है और लाखों लोगों का दिमाग है तुम में। इसीलिए मैंने अपने बचपन के खास दोस्त जेम्स को तुम्हारे पास भेजा। बैटिंग तो सिर्फ बहाना था तुम्हारे पास आने का। जेम्स, हाथ छोड़ दे वरना तुझे जान से मार दूंगा।
मार कमीने को। जेम्स, उसका नाम अन्नू है। ये तुम्हें कैसे पता? मेरे माँ बाप के अलावा सिर्फ अन्नू ही मुझे चेरी बुलाया करती थी। ये लॉकेट उसी ने मुझे दिया था। इसका मतलब तुम सूर्यनारायण जी के बेटे हो। हाँ। राजा और कोई नहीं, सूर्य नारायण जी का बेटा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मेरा जिंदा रहना उतना जरूरी नहीं है जितना तुम्हारा सच जानना जरूरी है। तुम एक बहुत बड़ी सच्चाई से बेखबर हो। तुम्हारे पिताजी ने जो पूजा करवाई थी उसमें जो हादसा हुआ था, वो हादसा नहीं था, वो धमाका जानबूझकर करवाया गया था। अपना गांव रायदुर्ग, जिसकी कुल देवी देवी भवानी थी, पर गांव के जीते जागते भगवान तो तुम्हारे पिताजी थे। विजय प्रताप और तुम्हारे पिताजी कॉलेज के जमाने से जिगरी दोस्त थे। उन दोनों की सच्ची दोस्ती की वजह से तुम्हारे पिताजी के कहने पर विजय प्रताप जी ने अपनी 3,000 एकड़ की जमीन रायदुर्ग के किसानों को खेती करने के लिए लीज पर दे दी। विजय प्रताप अपने बिजनेस के सिलसिले में लंदन चले गए। इसी फिराक में था उनका साला बवंडर बिहारी। सर, हमें जांच से पता चला है, ये जो 3,000 एकड़ की जमीन विजय प्रताप ने किसानों को खेती करने के लिए लीज पर दी है, उसमें ए ग्रेड का आयन ओर है। अगर हम इस जमीन को खोदकर सारा का सारा आयन ओर निकाल लें तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। मुबारक हो तुम्हें भी। किसानों को पता ना चले इसलिए हम उसे पावर प्रोजेक्ट का नाम देंगे, लेकिन उसकी आड़ में चलेगा अपना धंधा और किसानों को फंदा। उन्होंने किसानों को मजदूरी छोड़कर अमीर बनने के सपने दिखाना शुरू कर दिया और लोगों को गोनी भरकर पैसे देने का वादा। अगर फैक्ट्री बन गई तो हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो प्रोजेक्ट बोगस है और वो आयन ओर के लिए जमीन हथियाना चाहते हैं, पर भोले भाले गांव वाले बवंडर के झांसे में पूरी तरह से आ चुके थे। हमें कोई परवाह नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, हमें बच्चों का भविष्य देखना है। हमें माफ कर दीजिए। बवंडर ने मासूम गांव वालों के आंखों में सुनहरे सपने सजा दिए थे।
जब उन्हें ही परवाह नहीं तो आप उनकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी हमारे अपने हैं, थोड़ा बहक गए हैं। कुछ दिनों बाद विजय प्रताप लंदन से आ जाएगा, तब मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। सूर्य नारायण जी, ये सच्चाई विजय प्रताप जी को ना बता दें, इसीलिए उसी रात उन्हें अगवा किया गया। बवंडर बिहारी के आदमियों ने सच्चाई बताने पर तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारने की धमकी दी। अगले दिन विजय प्रताप लंदन से वापस आए। आओ बेटी, आओ। विजय प्रताप जी की आंखें तुम्हारे पिताजी को देखने के लिए बेचैन थी। मुझे लगा सूर्य नारायण मुझे लेने आएगा, पर वो है कहाँ? वो नगर पंचायत गया है जमीन के काम से। आइए चलते हैं। वो जानते थे कि सूरज देर से निकल सकता है, पर सूर्य नारायण उनसे मिलने कभी देरी से नहीं आ सकता। विजय प्रताप जी को बवंडर पर शक होने लगा और वो तुम्हारे घर पहुंचे। तुम्हारे मां के आंसुओं ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने अपने दोस्त सूर्य नारायण को कोठरी से रिहा किया और बवंडर को सबक सिखाने की ठान ली। जीजाजी, खामोश। बवंडर, यहां से अभी निकल जाओ। बवंडर ने जगह तो छोड़ दी मगर जमीन का लालच ना छोड़ पाया। अब ये जमीन सिर्फ और सिर्फ किसानों की होगी, अब कोई लीज नहीं होगी। आने वाली पूनम की रात को मेरी बेटी माधवी का जन्मदिन है और उस दिन देवी दुर्गा भवानी के महायज्ञ में मैं जमीन के सारे पेपर्स अपनी बेटी के हाथों से किसानों में बांट दूंगा। अगर आप ऐसे हालात में उनकी फैमिली पर हमला करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। अरे ये मोटी मोटी किताबें लेकर क्या कर रहे हो तुम? कोई रास्ता ढूंढो। एक रास्ता है, विजय प्रताप की मौत के बाद प्रॉपर्टी उनकी बेटी की होगी। हाँ तो हमें उसके बालिग होने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद उसके एक ही दस्तखत से सारी प्रॉपर्टी आपकी। अगली सुबह किसानों को जमीन लौटाई जाने वाली थी। पूरा गांव खुश था जैसे कोई त्योहार हो, पर जैसे ही तुम फूल लेने गए वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मत करो। रो मत बेटा, आज से मैं मामा नहीं तुम्हारा पापा हूं। बवंडर बिहारी ने माधवी को गले लगाया और उसकी जायदाद का बाप बन बैठा। उन दरिंदों ने पुलिस के सामने उस साजिश को ट्रांसफार्मर का धमाका बताया। जिस जमीन पर किसान अनाज उगाने वाले थे वो जमीन उन्हीं के खून से लथपथ थी। तुम्हारे पिताजी उस जमीन के लिए लड़े और उसी के लिए अपनी जान कुर्बान कर बैठे। तुम्हारे पिताजी उन जल्लादों का पर्दाफाश ना कर सके, पर तुम तो कर सकते हो। उन गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं जिंदा हूं। ये रहे उस 3,000 एकड़ जमीन के कागजात, जाओ पिताजी की अधूरी इच्छा पूरी करो। जेम्स,